वैक्सीन कैसे बनती है, विभीषण कहां से आया। देखो वैक्सीन क्या है, अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि कहां से बनता है, जो कि वायरस के माइक्रोब से बनाया जाता है। मतलब जो वायरस है कोरोना वायरस, उसी के कोई माइक्रोब छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे उसी से बनाया जाता है। है ना, अनबिलीवेबल कि एक्चुअली वैक्सीन वायरस से बनाई जा रही है। और ये सच भी है, काफी लोगों को पता भी होगा। और इसके अलावा किससे बनाया जाता है, जो वायरस मर चुके हैं उनको लेके आप क्या बनाते हो, वैक्सीन बनाते हो। जो वायरस मर चुके हैं, कोरोना वायरस जो डेड हो चुके हैं, डेड वायरसेस, उनको, उनसे बनाया जाता है। या फिर वायरस के स्पेसिफिक प्रोटीन से बनाया जाता है। वायरस होगा कोरोना वायरस, उसका कोई स्पेसिफिक प्रोटीन पकड़ेंगे डीएनए आरएनए, उससे बनाया जाता है। या फिर कोई जेनेटिक मटेरियल से बनाया जाता है। तो ये तरीका है वैक्सीन बनाने का।